Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. इंटरवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज के बारे में, जो हमें जनवरी के महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सैमसंग S सीरीज की कुछ हिस्ट्री की। और मैं पर्सनली भी अगर आप देखोगे तो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पर मैं खुद 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। अपडेट्स टाइमली मिल रहे हैं और फ़ोन अभी तक नॉर्मल चल रहा है, कोई हैंग लैग वगैरह मैंने 1.5 साल में एक बार भी यहाँ पर नहीं देखा। क्योंकि सैमसंग की जो एस सीरीज होती है, ये फ्लैगशिप कैटेगरीज के स्मार्टफोन्स होते हैं। और 2010 में सैमसंग ने सबसे पहले अपने गैलेक्सी एस को लॉन्च किया था, ये उनका पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन था। जी हाँ, और वहाँ से लेके अब तक लगातार हर साल सैमसंग अपने एस सीरीज के फोन्स लॉन्च कर रहा है। और सैमसंग के फोन्स लोग पसंद भी करते हैं, सेल भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। रीज़न, ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस। मैं भी अगर मुझसे कोई रिश्तेदार पूछता है कि भाई कोई फ़ोन बताइए, तो मैं सैमसंग का पहले रेकमेंड करता हूँ, बाद में दूसरे ब्रांड का रेकमेंड करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि इनमें रीसेल वैल्यू रहता है, एक अपडेट्स टाइमली मिलते हैं, ब्रांड वैल्यू रहता है। और ज़्यादातर लोग मुझसे यही सामने से वाला भी यही एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ वैसे ही बताऊँ, और मैं वैसे ही करता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20, जो सबसे पहला सैमसंग का फ़ोन आया था, जिसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमें देखने को मिला था। तो ये सैमसंग का बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसके पहले सैमसंग ने काफ़ी सारे नए नए फर्स्ट टेक्नोलॉजी हमें दिया था एक्सिनोस के चिपसेट्स में। लेकिन उसके बाद फिर S22 सीरीज, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, 100x हमें जूम भी देखने को मिला है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें सैमसंग ने की है। और S23 अल्ट्रा में तो 200 मेगापिक्सल कैमरा भी सैमसंग ने करके दिखाया है। सैमसंग की एस सीरीज एक ऐसी सीरीज है दोस्तों, जिनमें हमें एस पेन का भी सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। और एस पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे कामों के लिए। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियोस में बहुत जगहों पर ये काम भी आ जाता है। और एस पेन वैसे मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं उसका इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग नोट मेकिंग के लिए, इमरजेंसी में अगर आपको नोट्स निकालना हो, आपको अगर स्क्रीनशॉट्स लेना हो, मार्क करना हो, ऐसे बहुत सारे फंक्शन से पेंटिंग वगैरह करना हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें सैमसंग की इस एस पेन से भी किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जो अपकमिंग सैमसंग S24 सीरीज को कंप्लीटली चेंज कर देगा, और वो होगा AI का इंटीग्रेशन, गैलेक्सी AI। जी हाँ, जो हमें सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप्स में देखने को मिलने वाली है। और इनमें काफी सारे फीचर्स होने वाले हैं। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं, तो आपको इसमें लाइव रियल टाइम ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। एक ऐसा फीचर होगा, लाइव ऑडियो कॉल के दौरान ही आप अलग अलग लैंग्वेजेस में वो आपको ट्रांसलेट करके देते हैं। 14 languages का सपोर्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ऐसा बंदा फ्रांस में है, उसका लैंग्वेज अलग है, वो आपको नहीं समझ रहा है, आप उसको नहीं समझ रहे, तो वो रियल टाइम में आपकी ऑडियो को, कन्वर्सेशन को, जो आप बात करते हो, उसको ट्रांसलेट करेगा। इससे क्या होगा कि एकदम सीमलेस कन्वर्सेशन होगा, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोल रहा है, उसको पता चल जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। ये एक कमाल का फीचर होने वाला है, जो हमें गैलेक्सी AI के थ्रू S24 सीरीज में देखने को मिलेगा। इसी AI के जरिए हमें एक और सर्कल सर्च फीचर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी फोटो है या वीडियो है, उसमें अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जानना है, तो आपने सिर्फ उसको सर्कल किया और वो आपको उसके ब्राउजर पर लेके जाके उसकी सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग खड़े हैं फोटोज के अंदर और पीछे कुछ होर्डिंग्स वगैरह है, कोई बिल्डिंग है, आपको जानना है कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है, आपने उसको ऐसे सर्कल कर लिया और आपने उसको टैप किया, तो वो सीधे आपको ब्राउजर पर लेके जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। पूरी कोशिश करेगा कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। ये जो सर्कल सर्च फीचर है, ये भी AI का इंटीग्रेशन वाला पार्ट होगा, जो अपकमिंग S24 सीरीज में हमें मिलेगा। साथ में AI के जरिए सैमसंग S24 सीरीज में हमें नाइटोग्राफी जूम भी देखने को मिलेगा। आप और क्लियर और शार्पर फोटोज यहाँ पर नाइट में निकाल सकते हैं। आपको पोर्ट्रेट जूम भी मिलेगा, जिसमें आपको 5x तक जूम का सपोर्ट मिलेगा। लैग आपको कम देखने को मिलेगा, मतलब आप जूम करते तो थोड़ा लैग कम होता है, नॉइस कम देखने को मिलेगा। और ब्राइट फोटोज सैमसंग प्रोवाइड करेगा इन्हीं AI के जरिए अपकमिंग सैमसंग S24 सीरीज में। अब सैमसंग S24 सीरीज की बात करें, तो 3 फोन्स हो गए हर साल की तरह, S24, 24 प्लस और 24 अल्ट्रा। जो S24 और S24 प्लस हो गए, इनमें आपको बताया जा रहा है कि एक्सिनोस 2400 होगा। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ रूमर्स है, अभी तक सैमसंग की तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि S24 अल्ट्रा जो होगा, उसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 होगा। ये भी रूमर है, इसके ऊपर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखते हैं कि सैमसंग के यहाँ पर आगे जब लॉन्च होगा तो क्या प्लान्स होते हैं। अब एक्सिनोस चिपसेट्स को लेकर लोगों के दिमाग में बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं, लेकिन आपको मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक्सिनोस के चिपसेट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनके बारे में मैंने भी आपको अपने वीडियो में बताया था। जैसे कि सैमसंग का A14 है, वो तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बना है ग्लोबली। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता
चलेगा। इनफैक्ट एम 14 की जिसकी मैंने भी अनबॉक्सिंग किया था वो ऐसा इकलौता एक्जिनोस चिपसेट था उसमें, एक्जिनोस 1330, जिसके थर्मल्स और थ्रॉटलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, जिसके बारे में मैंने अपने लाइव सेशंस में भी काफ़ी बार बोला था। तो ये चिपसेट आपको मिलती है सैमसंग S23 फैन एडिशन में दिया गया है। ऐसे बहुत सारे एक्जिनोस के चिपसेट सैमसंग के फोन्स में हमें देखने को मिलते हैं, जो कुछ कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छा भी काम करते हैं। तो इतना ही आपको इस वीडियो में बताना था कि जो अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज होने वाले हैं, इनमें आपको जो AI फीचर मिलेगा वो गेम चेंजर हो सकता है, जिसके कुछ फीचर्स तो मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन होंगे। जब फोन हमारे हाथ में आएगा तो पता चलेगा कि सैमसंग ने AI का काम कैसे लिया है। और जनवरी के मिड के बाद हमें सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज मिलेगी, जिनके बारे में आपको अनबॉक्सिंग करके सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका अभी तक का सबसे फेवरेट सैमसंग स्मार्टफोन कौन सा है। अगर आप भले ही दूसरे यूजर भी हो, लेकिन मुझे ये कमेंट में जरूर बताना। मैं बोलूंगा S22 अल्ट्रा, क्योंकि मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, 1.5 साल से तो मुझे काफी अच्छा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से सैमसंग का सबसे फेवरेट स्मार्टफोन आपका कौन सा है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्मार्ट।